तो हेलो कैसे हो आप सभी लोग। आज के वीडियो में मैंने आपके लिए एक्सक्लूसिव एडवांस सर्वर के अपडेट्स लेके आया हूँ और अपडेट के अंदर क्या क्या आने वाले वो भी आप लोगों को बताने वाला हूँ। फिलहाल इस वीडियो के अंदर हम पूरी माहिती तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन मैं धीरे धीरे करके शॉर्ट वीडियो भी अपलोड करूंगा, तो शॉर्ट के ऊपर भी ध्यान दो। शॉर्ट्स भी अपलोड करूंगा, शॉर्ट्स भी देखा करो क्योंकि मैं उसके अंदर भी आप लोग एडवांस सर्वर के कुछ अपडेट्स दे दूंगा। फिलहाल के लिए तो एडवांस सर्वर डायमंड्स की बता देता है भाई सभी लोगों को, तो डायमंड्स ले लेते सबसे पहले हम। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। ये बात तो सही है, आप और मैं दोनों ये सोचते कि यार काश ऐसे इवेंट रियल फ्री फायर में भी आ जाए। तो आज जरा टू डायमंड बस लॉग इन करने के भाई, वाह फिर मारने का आएगा तू। मतलब इस डायमंड्स को खर्चा करने के लिए तो भैया कोई ऐसा नया पेट वगैरह तो दिख नहीं रहा मेरे को। पेट स्मैश, ट्रिपल वुल्व्स और एल पास्टो स्केच इंग्लिश, यानी कि कुछ नए मोड्स आए वो भी हम लोग ट्राई करेंगे। ट्रिपल वुल्फ क्या है ये मेरे को जरा देखना है, शायद से ये 3v3 हो सकता है गाइस, देखते हैं। बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाली है इसकी सेंसिटिविटी, कभी भी चेंज होते तो इसको रख के कुछ फायदा नहीं मेरा। फिलहाल के लिए मैं आप लोगों को बता दूं इसके अंदर कुछ और नए फीचर्स ऐड हुए, जैसे मैं आप लोगों को बताता हूं। रिकॉर्डिंग के लिए पूरा एक यहां पर सेक्शन लाया गया है, रिप्ले ऑन, लॉबी रिकॉर्डिंग ऑन, रिकॉर्डिंग साउंड ऑन ऑफ, यानी कि आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से अपने खुद के वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो, हाई मीडियम लो कौन से क्वालिटी में आपको चाहिए, ठीक है। और भी कुछ फीचर्स आए सेटिंग्स के अंदर वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पर ट्रिपल वुल्फ देखते हैं। क्या है क्या भैया ये? अच्छा ऐसा तो नहीं है, ओ भाई तीन बंदे एक ग्राउंड में रहते हैं, फाइट करनी है। वैसे मैं तो भाई जीत नहीं पाऊंगा क्योंकि देख ही सकते हो मेरी कोई भी सेटिंग्स यहाँ पर है नहीं, और मेरी सेंसिटिविटी मुझे ही पता यार कैसे कंट्रोल कर रहा हूँ भाई। अरे ये ऑटोमेटिक ही जा रहा है भाई, देखो उधर ट्रैक करना चाहता हूं मैं, बट ये देखो, अरे कहा ये क्या है? ये भगवान क्या जुलूम है गाइस। मोड के बारे में मेरे को जितना समझ है मैं आपको समझाता हूँ। आप लोगों को तीनों में से एक को चांस मिलेगा अपनी अपनी गन चूज करने का, और 1v2 वाला सिचुएशन बोल सकते हो आप लोग, 1v1 भी हो सकता है अगर आप दोनों टीम अप करके एक बंदे को मिलके मार भी सकते हो, यानी कि अच्छा मोड है। 3v3 वाला मोड है गाइस ये वाला, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। फिलहाल के लिए तो एक को तो मारूंगा, एक को तो मार दिया भैया, ऐसे सेंसिटिविटी में भी एक को मारना बहुत मुश्किल है। दोनों जलवा है हमारा प्रो भाई प्रो। और अभी आप लोग देख सकते हो मैं ऊपर आ चुका हूँ सबसे, बाकी एक बंदे का तो शायद से जीरो डैमेज है। एक मिनट, मेरे सामने शायद से साबिर बॉस और जेड गेमर्स आए, क्योंकि ये सिर्फ पार्टनर्स को ही मिला है, और ऑफिशियल पार्टनर्स के अलावा शायद ही कोई यहाँ पर हो पाएगा कोई और, यानी कि असल के सबीर भाई और जेड गेमर्स है। तो सबीर भाई ओके भाई, सबीर भाई को मार रहा हूँ यार, सेंसी यार मेरी यार हद दे मेरे खुद को बता। यार नहीं भाई, मेरी लिटरली सेंसी ऐसी गंदी हो चुकी है ना, क्या बताऊं यार। चलो कोई ना सबीर भाई और मैं एक एक दस दस पॉइंट पे है भाई, दस दस पॉइंट पे, देखते हैं कौन जीतेगा। वैसे ये वाले मैच में मजा आ रहा है क्योंकि सामने सबीर भाई और जेड गेमर जाए। वाह सबीर भाई को नॉक मार दिया भैया, जेड गेमर इधर है, मर जा मर जा। यस भाई मैं लीड में हूँ, अब बस मेरे को एक ध्यान रखना है, अगर मेरे को जीतना है तो मेरे को सबीर भाई से नहीं मरना है, क्योंकि सबीर भाई से अगर मैं बच गया तो शायद से मैं जीत जाऊंगा। थक गया, खत्म ब्रो में। जेड गेमर्स को तो मार दिया मैंने, अरे यार बहुत डैमेज थे भाई, मेरी किस्मत ही खराब है। अरे सबीर भाई ने मार दिया उसको, मेरे को सबीर भाई के हाथों नहीं मरना है भाई। गया ब्रो में, गया गया। अरे यार ये देख सकते हो ना मैं माउस कैसा है, कौन जीता वैसे? अच्छा नहीं जीता भाई, टेक किल, डैमेज ज्यादा है भाई, जीत गया ब्रो, लाइक ले लो भाई। सबीर भाई से को हरा दिया भाई मैंने। यहाँ पर कैरेक्टर का पूरा सिस्टम देख सकते हो चेंज कर दिया है, ये अच्छा किया गाइस इन लोगों ने, डिफेंस के लिए, अटैक के लिए, हील के लिए, ये सही किया गाइस इन लोगों ने। कैरेक्टर सिस्टम आप लोग देख सकते हो पूरा, जो ट्रेनिंग ग्राउंड में अगर हम जाके देखें तो आप लोगों को एक चीज बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली ट्रेनिंग ग्राउंड की,
वो है यहाँ पर एक नहीं भैया, एक नहीं दो दो एडम। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। ये वाले लीक्स गाइस आप लोग ने देखे होंगे पहले, लेकिन ये जो एडम चाचा है ये गिर जाते हैं भैया, देख सकते हो, लेकिन वापस उठ भी जाता है भैया ये बंदा। What the fuck? ये लो। लेकिन ये भैया पता नहीं अंबुजा सीमेंट से बने हुए, ये नहीं गिरते यार, ये भैया गिर जाते हैं, मतलब 200 के डैमेज पे गिरेंगे शायद ये, 200 के डैमेज पे गिर जाता है, आगे गिरेगा या पीछे गिरेगा, अगर पीछे जब गिरेगा जब इसको हेडशॉट लगेगा, और आगे जब गिरेगा तब इसको बॉडी शॉट लगेगा, मतलब हे भैया बहुत अच्छी चीज बनाई गई गरीना ने इसे। और हाँ गाइस, सेटिंग के अंदर गरीना ने रिकॉर्डिंग का भी एक चीज दिया है और नेटवर्क का एक चीज दिया है, तो डैमेज नंबर स्मार्ट मुझे समझ में नहीं आया, प्री वेरिफिकेशन स्मार्ट मुझे समझ में आया, नेटवर्क सेटिंग डैमेज नंबर से क्या मतलब, क्या कहना क्या चाहते हैं गाइस। और हाँ, यहाँ पर गाइस फ्री लुक के अंदर आपको पैराशूट स्प्रिंट और ड्राइव का भी फ्री लुक आप लोग देख सकते हो शायद से, ऐसा लगता है फ्री लुक की ऑप्शन ये, और बी आर स्कोर्ड टैप एक्सेस टाइप होल्ड, ये कैसे यहाँ से बी आर का जो स्कोर बोर्ड है वो किस तरह का चाहिए आपको, टैप चाहिए होल्ड चाहिए वो ये गाइस। और मूवमेंट में शायद से ड्रैग मिक्स तो पहले से था, कॉर्सर टाइप में भी शायद से सब कुछ पहले से था, कॉर्सर टाइप अच्छा, न्यू डैमेज इस तरीके से, अपना पुराना यार फ्री फायर ही सही था यार, क्लासिक वाला डैमेज ही अच्छा है गाइस। यही अभी के फिलहाल के लिए अपडेट्स में, अपडेट के अंदर एक नया कैरेक्टर भी आने वाला है, वो हम आपको नए वीडियो में या फिर शॉर्ट्स में बताने वाले, ठीक है। तो गाइस आप लोगों को वो ड्रोन वाला कैरेक्टर तो याद ही होगा, सीएस के अंदर उसने सारे बंदों की हालत पतली करके रखी है, अब वो तो चलो ठीक है एक राउंड में आप एक ही ड्रोन यूज कर सकते हो, लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको ये कहूँ कि एक राउंड में एक कैरेक्टर एक प्लेयर चार ड्रोन यूज कर सकता है, तो गाइस यही होने वाला है मेरे हिसाब से अपडेट के बाद, क्योंकि नया कैरेक्टर की जो स्किल है, नए कैरेक्टर नहीं भैया पुराना कैरेक्टर है, लेकिन इसकी जो स्किल को जो जज्बात बदलती है, हालत बदलती है, देख सकते हो, आफ्टर नॉकिंग डाउन एन एनिमी मार्क एनिमी विद इन 20 मीटर ऑफ नॉकडाउन एनिमी एंड स्लो डाउन देयर मूवमेंट स्पीड बाय 25%, यानी कि अगर इस कैरेक्टर को यूज करके आपने किसी बंदे को नॉक किया तो उसके एरिया के आसपास के सारे बंदे जो है सारे बंदे स्लो डाउन हो जाएंगे 4 सेकंड्स के वास्ते, 25% उनकी स्पीड स्लो हो जाने वाली है 20 मीटर के अंदर, 20 मीटर बहुत होता है भैया, उस एरिया के अंदर सारे बंदे स्लो हो जाएंगे, और ये हर बार वर्क करेगा जितने बार आप लोग बंदों को नॉक करोगे, तो मतलब ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक और ओवर पावर यहाँ पर होने वाला है। मैं इसको परचेस करके देख लेता हूँ और ट्रेनिंग ग्राउंड में चला के देखते जरा, ये ट्रेनिंग ग्राउंड में तो भैया बहुत ही ज्यादा ओवर पावर कैरेक्टर होने वाला है गाइस, ठीक है ना, मैं देखता हूँ ट्राई करता हूँ गाइस यहाँ पर एडवांस सर्वर के अंदर क्या ये चल पाएंगे। अरे भैया मैं अकेला ही हूँ, पूरा मूड खराब कर दिया।